अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम मॉक टेस्ट का पार्ट 23 लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। जोगन किस ड्रामे का किरदार है? इस किरदार को हमें पहचानना है कि ये किस ड्रामे का किरदार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इंदर सभा का किरदार है जो कि अमानत लखनवी का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन आगा हश्र का हम असर नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नसरवान जी, मेहरवान जी, आराम। ये जो है आगा हश्र के जो है हम असर नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परदई गफलत जो है ये ड्रामा नहीं है आगा हश्र कश्मीरी का। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस है ये सारे ड्रामे हैं आगा हश्र कश्मीरी के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरैया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाजार में उर्दू की किस मशहूर शायर का जिक्र है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अकबर आबादी का जिक्र है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कागज़ का कफन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों जो है मोहम्मद हसन के मजमुए हैं, मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई। लेकिन ये डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मजमुआ जो है मोहम्मद हसन का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लखनऊ का अमामी स्टेज किसकी तसनीफ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मसूद हुसैन रिजवी अदीब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शबनमिस्तां फिराक गोरखपुरी। ये तसनीफ है फिराक गोरखपुरी की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गुरबत का लफ्ज किस शायर के कलाम में बार बार आया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फानी बदायूनी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मसनवी कदम राव में कदम राव की हैसियत क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा। कदम राव जो थे क्या थे? राजा थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलिक खुशनूद। इनका ताल्लुक जो है बहमनी दौर से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। असदुल्ला किस दखनी शायर का असली नाम था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वजही। मुल्ला वजही का नाम था, असली नाम था असदुल्ला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मसनवी फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दरवेश। वो ख्वाब में दरवेश को देखता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिसरा उला से शेर मुकम्मल कीजिए, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबरस का किस्सा किस मुकाम पर वाकिया हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीस्तान नहीं है, सीस्तान है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्कुश शोरा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गवासी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गुल व बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वली। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये शहर है वली दखनी का। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? जो अमानत लखनवी है, जिनका ड्रामा है इंदर सभा, इन्होंने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली शाह का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस सिनफ को एक जैसी निगार खाना, सॉरी जैसी नहीं है जेबी निगार खाना, किस सिनफ को एक जेबी निगार खाना यानी कि पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉवल को ये नाम दिया गया है, पॉकेट थिएटर यानी कि जेबी निगार खाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज़ैल की किस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उमराव जान अदा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से याद किया जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मजमून। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने मरसिए को तशबीब से मुतारफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मनसूब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौदा ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिए की किस जुज में बरायत इस्तलाल की सूरत मिलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेहरा से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुले अजाइब, तज़किरा आशिकी, तज़किरा हिंदी, तज़किरा तबकात सखन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है? तो ये कॉल जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूद फिज़ा मिलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तह नजूम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महरूम की नज़म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खालिस शायराना हैसियत से इसके खरे होने में कलाम नहीं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अज़ीज़ अहमद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेकाफिया नज़म के लिए नज़म मौरा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अब्दुल हक ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख वफ़ात कही थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा दबीर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? हयात दबीर के मुसन्निफ़ जो है ऑप्शन नंबर बी, अफजल हुसैन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जोश का हैदराबाद में कितने जो है साल कयाम रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 10 साल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जोश का फ़कीर मोहम्मद खान गोया से क्या रिश्ता था? जोश का रिश्ता जो है फ़कीर मोहम्मद खान से क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परदादा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये जोश के परदादा थे फ़कीर मोहम्मद खान गोया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नज़म मोरा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल अलीम शरर। अब्दुल अलीम शरर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हसरत का सिलसिला तलम्मुज़ के शायर तक पहुँचा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोमिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मोमिन खान मोमिन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जेल में लिखी हुई नज़मों के मजमूए का नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पत्थर की दीवार। अली सरदार जाफरी की नज़मों का मजमूआ है जो कि जेल में लिखी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अकबर आबादी ने सबसे ज़्यादा जो है मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। इस्माइल मिरठी ने किस नज़म में कदीम शायरी की बनावटी अंदाज का मुजाहिका उड़ाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, जरीदा इब्रत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जरीदा इब्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जदीदत ने किस तस्वुर को ख़ास अहमियत दी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, हयत मवाद की वहदत। हया जो है हयत व मवाद की वहदत, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मौरका वजूद में बजरो हसनैन भी है, इश्क इस जो है मिसरा में, मौरका वजूद में बदरो हसनैन भी है, इश्क इस मिसरा में बदरो जो है हसनैन से किस तरफ इशारा किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो खजवात। दो खजवात से जो है इसका इशारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी के उस अफसाने की निशानदेही कीजिए जिसमें पहली जो है बार असातीरी अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील से माखूज है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ एडिसन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ एडिसन।